हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुप्रभात। आप सबों का मेरे चैनल पर स्वागत है। नमस्कार मित्रों, आज मैं आपके सामने एक यथार्थ विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। प्रश्न है, जो माँ बाप अपने संतान के विदेशों में रहने पर इतराते हैं, फूले नहीं समाते हैं, लोगों के बीच इस बात का जिक्र करके अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं, वैसे माता पिता का भविष्य कैसा रहता है? उन्हें अपने चौथेपन में, बुढ़ापे में, जब वो लाचार होता है, बेसहारा होता है, ऐसे में उनका क्या स्थिति होता है, इसका जिक्र इस वीडियो में करते हैं। आप जब सफल, सबल व समर्थ होते हैं तो आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा भी देते हैं, पर यदि आपसे बच्चों को जड़ों से जुड़े रहने की शिक्षा न दी और उसे विदेशों में रहने का मौका मिला तो उनकी सारी शिक्षा दीक्षा सिर्फ उनके और उनके पत्नी बच्चे तक ही सीमित रह जाएगा, जिस पर आप इतराते नहीं थकते थे कि मेरा बेटा दूसरी दुनिया में रहता है। लेकिन जब आपको अपने बेटे की सेवा की जरूरत पड़ेगी, आपके हाथ कांपने लगेंगे और कदम लड़खड़ाने लगेंगे, तब जब आप बेसहारा महसूस करेंगे, तब आपका अपने बेटे के शिक्षा दीक्षा का समीक्षा करने का मौका ना रहेगा। इसलिए आपने अपने संतान को बेहतर शिक्षा दीजिए, जो उसे अपने जड़ों से जुड़े रहने की शिक्षा दे। अपने माता पिता का सही देखभाल करें, अपने परिवार, समाज, राज्य व देश से प्यार करें, जिसे स्वदेशी खान पान, आहार विहार, जीवन शैली भावे। इसलिए कहा गया है, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। परदेशी जीवन शैली में बहुत सारी वर्जनाएं हैं, घिनौनी हरकतें हैं, जो आधुनिकता के नाम पर नंगापन है, अंधापन है, दिवालियापन मात्र है। यह आधुनिक समाज का घिनौना सच मात्र है। दिखावे के लिए वह कभी साईं शिरडी मंदिर का भ्रमण कर लेते हैं या कहीं किसी धर्म स्थान पर घूम लेते हैं। घूमने का उद्देश्य तो मजा करना होता है, तीर्थ करना नहीं। प्रश्न उठता है, जो कभी माँ बाप की सेवा नहीं की, पूजा करने से उन्हें क्या फ़ायदा? हम अपने जीवन में कितने भी धर्म कर्म करें, पर यदि अपने माता पिता का तिरस्कार कर रहे हैं तो हमारे सारे धर्म कर्म व्यर्थ हैं। जीवन भर जब तप किया, बहुत पूजा पाठ की, लेकिन माँ बाप को सुख नहीं दिया, वे दुखी हैं, उनकी सेवा न की, तो आपकी सारी शिक्षा दीक्षा, धर्म कर्म, पूजा पाठ सब व्यर्थ है। आधुनिकता का चादर ओढ़े बच्चों को मन में यह सवाल उठना लाजमी है, माँ बाप की सेवा करने से क्या फल मिलता है? तो सुनिए, ऐसे बच्चों के लिए यह नसीहत है, पिता के प्रसन्न हो जाने पर संपूर्ण देवता प्रसन्न हो जाते हैं। जिसकी सेवा और सद्गुणों से माता पिता संतुष्ट रहते हैं, उस संतान को प्रतिदिन गंगा स्नान का फल मिलता है। माता सर्वतीर्थमयी होती है और पिता संपूर्ण देवताओं का स्वरूप होते हैं। अतः सभी प्रकार से अपने माता पिता की सेवा करें, उन्हें सुखी रखें, तभी आपका जीवन सफल माना जाएगा, आपका शिक्षा संपूर्ण माना जाएगा। गलत शिक्षा दीक्षा के कारण जब बच्चे गलत संगति में पड़ता है, आधुनिकता का चोले ओढ़े रहता है, उसके मन मस्तिष्क पर अशिक्षा और मूढ़ता का बादल चढ़ जाता है, ऐसे में वह यह भी सोचने के लिए बाध्य हो जाता है कि क्या होगा अगर मैं अपने माँ बाप का सेवा ना किया तो क्या होगा? तो सुन लीजिए, कलयुग में कर्मफल तुरंत मिलता है। ऐसे में जो अपने माँ बाप की सेवा नहीं करने का ठान लिया है, उन्हें भी उनके बच्चे उनका बुढ़ापे में सेवा नहीं करेंगे, वह भी बेसहारा महसूस करेंगे, उन्हें भी वृद्धाश्रम का सहारा लेना पड़ेगा। जैसा कि कलयुग में कर्मफल तुरंत मिलता है यह बताया गया है, यह जान लीजिए, जैसा आप अपने माता पिता के साथ करेंगे वैसा ही आपका संतान भी आपके साथ करेंगे, यह सर्वथा सिद्ध हो चुका है। इसलिए हमारा सभी माता पिता
व अभिभावकों से प्रार्थना है कि आप अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दें जिससे वे अपने जड़ों से जुड़े रहें, अपने माता पिता, परिवार, अपने समाज, अपने देश से जुड़े रहें और उन्हें निश्चित ही अपने स्वदेशी खान पान, आहार विहार, जीवन शैली भावे। इसलिए भी यह जरूरी है कि जब कोई रिटायर करे, अवकाश प्राप्त करे, बुढ़ापा में आ जाए, वैसे परिस्थिति में जब उनके संतान उनका साथ न दे रहा हो, उनके साथ बेईमानी पर उतर आया हो, वैसे में पुरानी पेंशन बहुत जरूरी आवश्यकता है। आजकल संतान आधुनिकता के पीछे भाग रहा है, अपने परिवार, समाज, माता पिता से उखड़ रहा है। ऐसे में पुरानी पेंशन के लिए हमें जोरदार आवाज़ उठाना होगा, जो हमारे बुढ़ापे में एकमात्र सहारा होगा। हमें इसके लिए कमर कसना होगा, हमें अपने घरों से निकल अपने अपने तरीकों से अपने इस जायज़ मांग को उठाना होगा, जो हमारे इस मुहिम का नेतृत्व कर रहे हैं, उनके कंधों से कंधा मिलाकर उनके साथ चलना होगा, ताकि हम अपने अधिकार को प्राप्त कर सकें और बुढ़ापा आराम से कट सके। वीडियो के अगले हिस्से में ऐसी ही बातों को दर्शाता शिक्षाप्रद कहानी को देखें और शेयर करें, अच्छी शिक्षा के महत्व को आगे बढ़ाएं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को अवश्य ही दबा दें, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। धन्यवाद। एक बच्चे को आम का पेड़ बहुत पसंद था। जब भी उसे फुर्सत मिलती, वो उस पेड़ के पास पहुंच जाता, पेड़ के ऊपर चढ़ता, आम खाता, खेलता और थक जाने पर उसी की छाया में सो जाता। बच्चे और आम के पेड़ के बीच एक अनोखा रिश्ता बन गया। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता गया, वैसे वैसे उसने पेड़ के पास आना कम कर दिया। कुछ समय बाद तो आना बिल्कुल ही बंद हो गया। आम का पेड़ उस बालक को याद करके अकेला रोता। एक दिन अचानक पेड़ ने उस बच्चे को अपनी तरफ आते देखा और पास आने पर कहा, तू कहाँ चला गया था? मैं रोज तुम्हें याद किया करता था। चलो आज फिर से दोनों खेलते हैं। बच्चे ने आम के पेड़ से कहा, अब मेरी खेलने की उम्र नहीं है, मुझे पढ़ना है, लेकिन मेरे पास फीस भरने के पैसे नहीं है। पेड़ ने कहा, तू मेरे आम लेकर बाजार में बेच दे, इससे जो पैसे मिलेंगे उससे अपनी फीस भर देना। बच्चे ने आम के पेड़ से सारे आम तोड़ लिए और उन सब आमों को लेकर वहां से चला गया। उसके बाद वो फिर कभी दिखाई नहीं दिया। आम का पेड़ हर पल उसकी राह देखता रहता। एक दिन वो फिर आया और कहने लगा, अब मुझे नौकरी मिल गई है, मेरी शादी हो चुकी है, मुझे मेरा अपना घर बनाना है, लेकिन इसके लिए मेरे पास अब पैसे नहीं है। आम के पेड़ ने कहा, तू मेरी सभी डालियों को काट कर ले जा, उससे अपना घर बना ले। उस जवान लड़के ने पेड़ की सभी डालियां काट ली और लेकर चला गया। आम के पेड़ के पास अब कुछ नहीं था, वो बिल्कुल बंजर हो गया था, कोई उसे देखता भी नहीं था। पेड़ ने भी अब उम्मीद छोड़ दी थी कि वो लड़का उसके पास फिर आएगा। फिर एक दिन अचानक वहां एक बूढ़ा आदमी आया। उसने आम के पेड़ से कहा, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं वही बालक हूं जो बार बार आपके पास आता था और आप हमेशा अपने टुकड़े काट कर मेरी मदद करते थे। आम के पेड़ ने दुख के साथ कहा, पर बेटा मेरे पास अब ऐसा कुछ भी नहीं जो मैं तुम्हें दे सकूं। वृद्ध ने आंखों में आंसू लिए कहा, आज मैं आपसे कुछ लेने नहीं आया हूं, बल्कि मुझे आपके साथ जी भर के खेलना है, आपकी गोद में सिर रखकर सो जाना है। इतना कहकर वो आम के पेड़ से लिपट गया और आम के पेड़ की सूखी हुई डाली फिर से अंकुरित हो उठी। दोस्तों, वो आम का पेड़ और कोई नहीं बल्कि हमारे माता पिता हैं। हम जब छोटे थे तो हमें उनके साथ खेलना अच्छा लगता था, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते चले गए, उनसे दूर होते गए। पास भी तब आए जब कोई जरूरत पड़ी या कोई समस्या आन खड़ी हुई। आज कई माँ बाप उस बंजर पेड़ की तरह अपने बच्चों की राह देख रहे हैं। जाकर उनसे लिपटें, उनके गले लग जाएं, फिर देखना वृद्ध अवस्था में उनका जीवन फिर से अंकुरित हो उठेगा। किसी कवि ने क्या खूब कहा है, बड़े बुजुर्गों की उंगलियों में कोई ताकत तो ना थी, मगर जब मेरा सिर झुका तो सिर पर रखे कांपते हाथों ने जमाने भर की दौलत दे दी।